बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार अब वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर खूब हमले किए हैं, आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को बांटती है, लोगों को धमकाती है, लोगों का अपमान करती है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने अडानी मसले को लेकर भी सरकार को घेरा, एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। और आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कैसे चुप्पी का ये शोर है। आज हमने अपने शो का यही नाम रखा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उस पर चुप है, विपक्ष के सवालों पर चुप है, धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, प्रधानमंत्री पर चुप्पी का आरोप लगातार, कांग्रेस सियासी शोर मचा रही है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं सोनिया गांधी ने एक लेख में सरकार पर क्या क्या हमला किया। अपने लेख में सोनिया ने कहा कि धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए हैं, देश में हिंसा और नफरत का माहौल है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, मामला सूरत की अदालत में पहुंचा, इसके बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उनकी सदस्यता चली गई लोकसभा से। कांग्रेस सरकार पर लगातार विपक्ष को चुप कराने का और जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगा रही है। सांसदिक खोने के बाद राहुल गांधी एक ऐसे दिन आज वायनाड पहुंचे जब उनकी मां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सबसे तीखा हमला किया। कर्नाटक के मांड्या में चुनावी भाषण में मोदी समुदाय के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद इसी वायनाड से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल अब रोड शो करने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं बहन प्रियंका के साथ। The MP member of parliament is just a tag. It's a position, it's a post. So the BJP can take away the tag. They can take away the house, but they cannot stop me from representing the people of Wayanad. जबरन थोपी हुई चुप्पी भारत की समस्याओं का हल नहीं। इधर इस लेख के जरिए कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। आरोप लगाया है कि मोदी राज में धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए हैं, पीएम हिंसा को नजरअंदाज करते रहे हैं। कहा प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है, किसानों पर हमारे जायज सवालों पर चुप है पीएम, देश में नफरत और हिंसा का माहौल है जिसे बीजेपी आरएसएस ने बढ़ावा दिया है। और आरोप लगाया कि सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई है, मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया, सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग किया है वो किसी से छिपा नहीं। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सबको देशद्रोही कहना गलत है। पीएम को लोकतंत्र और अपने लोकतांत्रिक दायित्व से नफरत है, अगले कुछ महीने लोकतंत्र की परीक्षा के हैं। अब सोनिया गांधी के इस लेख के बाद सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है सोनिया माता जी, अगर आपका बेटा राजनीति में सफल नहीं हो पाया, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, तो कृपया करके ऐसी धारणा मत रखिए। तमाम विपक्षी दल सोनिया गांधी के लेख का समर्थन कर रहे हैं। जो आरोप ये विरोधी दल पर लगा रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए वो सदाचार है, विरोधी दलों के लिए कदाचार है। तो सोनिया जी जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो भी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं ये देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं, आम लोग महसूस कर रहे हैं कि उन मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पालन नहीं कर रही है। और बहरहाल सोनिया गांधी बहुत सीजन लीडर हैं, सीनियर हैं, और उन्होंने कहा है तो उनको उनको भी उनके इस स्टैंड को मैं सपोर्ट करता हूँ। जिस देश में ये आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो जाए, आपके भी लोग डरने लगे तो चिंता होना चाहिए, आपको भी होनी चाहिए चिंता और लोगों को भी होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी और इस तरह की स्नूपिंग का विरोधाभासी चरित्र। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर पूछा, श्रीमती सोनिया गांधी लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही है, कांग्रेस पार्टी का न्यायपालिका की स्वायत्तता पर बोलना एक मिथ्या भरा सबसे कुटिल बयान है। Sonia ji is written in her article is proven again by Mr. Kiran Rijiju because these are the threats to our democracy. Do not get the results they want.
डू नॉट गेट द इलेक्टोरल रिजल्ट्स दे वांट. द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन द कंट्री, द प्रॉब्लम इज नॉट विद डेमोक्रेसी, द प्रॉब्लम इज विद देयर पार्टीज विजन एंड डायरेक्शन. लड़ाई 2024 की, एक जंग राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता की लड़ रहे हैं वाया वायनाड, और सोनिया गांधी लेक से प्रहार कर रही है ये कहकर कि सरकार सबको डरा रही है. आज तक ब्यूरो.